ये स्टोरी सुनाने का था पहले मैं अपनी वो बुक रिव्यू वाली वीडियो में, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये वीडियो, ये स्टोरी कायदे एक अलग वीडियो डिजर्व करती है, क्योंकि उस वीडियो में मैं सुनाता स्टोरी तो वो लंबी हो जाती है और ओवरशेड हो जाती, वो वाली बात भी और स्टोरी भी। खैर बाय द वे, वही शर्ट, वही सेट और वही तेल वाले बाल के साथ बिलाल भाई फिर हाजिर है। ये से बड़ा एक यूट्यूबर्स का एक प्रोडक्टिविटी ट्रिक और हैक स्लैश एक राज सीक्रेट आपका तनवील कर रहा हूँ, जो ढेर सारी वीडियोस बना के रखो, तीन चार वीडियोस पहले बना के रखो, स्कूल से एड करते रहो और लगाते रहो हर हफ्ते में एक दो। मैं वो भी कर रहा हूँ, पिछले 2 दिनों में 3 4 वीडियोस अपलोड बना चुका हूँ और होपफुली अगले 2 दिनों में एक दो और वीडियोस बना दूंगा, ताकि 2 3 महीने का तो काम पूरा हो जाएगा भाई। है प्रोडक्टिविटी हैक्स विद बिलाल। है तो स्टोरी है कि भैया मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, इजान नाम है उसका, बहुत स्वीट बंदा है। तो इजान ने बुक कवर भी बनाया है, ठीक है ना, और आप लोगों को यू शुड डेफिनेटली चेक कर इजान आउट, इज अ वेरी नाइस पर्सन, ठीक है, जेनवनली। खैर इजान भाई ने ना मेरा ना इजान भाई के पास, इजान भाई ये नहीं था कि भाई बिलाल ने बुक लिया उसको, था भाई बिलाल और मैंने बुक लिया, हमारी बुक है, विच इज समथिंग रियली रिकमेंड विच अप्रिशिएट अबाउट हिम, ठीक है। तो भाई ने ना मोहब्बत में मेरा ना एक पूरा पोर्टफोलियो बनाया कि भाई बिलाल 19 साल का है, बिलाल ने किताब लिखी है, बिलाल पॉडकास्ट करता है, बिलाल के सेटअप्स है, बिलाल ये करता है, बिलाल वो करता है, लाइफ कोचिंग करता है, फला फला फला, ठीक है। पर लंबा छोड़ा था, मेरा एक CV टाइप, मेरा पोर्टफोलियो टाइप बनाया, और ये जो ना ये डिजिटल क्या कहते हैं उसको, डिजिटल मीडिया नहीं, डिजिटल न्यूज़ आउटलेट्स, ये बैंगो बास वगैरह वगैरह वगैरह, ETC ETC ETC, ठीक है, इन सबको ईमेल करती। अब मुझे बैंगो बास नहीं थी वो, ये बता रहा था, लेकिन मुझे एक बड़ी मशहूर मीडिया आउटलेट का मैसेज आया कि भाई ये हमारा नंबर है, ये मैं बात कर रहा हूँ, मुझे मैसेज करो। मैं बड़ा खुश, मैं कहा भाई यार आज तो लग गई मौजे भाई पे, लिखा जाएगा आर्टिकल मोहम्मद बिलाल ऑथर। मैं बड़ा खुश, मैं कहा भाई यार ना मेरा इंटरव्यू लेगा शायद, मुझसे पूछेगा भाई बताओ कैसे इंस्पायर हुए, ये हुए वो हुए। मैं बड़ा खुशी खुशी मैसेज किया, यस ब्रो बिलाल हेयर। उसने कहा कह रहा है कॉल यू, कहा कॉल पे अच्छी बात होती है ना, ज़्यादा पता चलता है बंदे के बारे में, थोड़ा दुख सुख भी समझ आती है, तो कहा कॉल कर लो क्यों नहीं। भाई ने कॉल की, मैंने उठा ली, ये कहते यार हम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आर्टिकल्स करते हैं अब, लेकिन 700 में ना हम एक पोस्ट, एक आर्टिकल और एक स्टोरी लगा देंगे। मैं कहा 700 में? कहते जी 700 में। मैं कहा भाई एक क्या तीन लो, तीन लगाओ मेरे से तीन लो और तीन तिल लगाओ। कहते डन हो गया, बड़ा खुशी हुआ भाई, ये तो बड़ी चिड़ी लो गई, ठीक है अब यहाँ डील हो। मैं बड़ा खुशी हुआ भाई, ये तो बड़ा आसान काम हो गया, आटे का लिखा तो इतना आसान था, तो लोग भी लिखाते अभी तक। अब मैंने बात हो गई उनसे, तो कहता उससे कहता भाई अच्छा कब शुरू करें हम? मैं कहा भाई एज सून एज पॉसिबल। कहते ठीक हो गया सर। कहता आप काइंडली हाफ पेमेंट जरा पे कर देते मुझे। मैं कहा ठीक है, तो मैं कहा इजी मसा कर दूँ जैसे, मैंने कहा इजी पैसा कर दूँ जैसे वैसे कैश कर दूँ। परेशान हो गया, इजी पैसा जैसे कैश। कहता सर क्या मतलब आके इतने? कहता सर अब मैंने 700 बोला है। मैं कहा हाँ 700। कहता 700 US डॉलर। प्रैंक हो गया आपके साथ। तो सलाम भी नहीं किया, मैं कहा अच्छा चलो ठीक है भाई, ठीक है बाय, काट दी कॉल। मैंने कहा भाई ये तो खुले आप बंदा क्या ला के प्रैंक करता है, ये तो खुले आप प्रैंक कर रहा है। तो उससे भाई ये साबित हो, जो आर्टिकल होते हैं ना ज़्यादातर, स्पेशली जो मेरी उम्र के या फिर मेरे लेवल के या फिर ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स या ऐसे लोगों के पे आर्टिकल होते हैं, ज़्यादातर होते पेड। बस ये थी स्टोरी टाइम, सी यू गाइस द नेक्स्ट टाइम इसी कुर्ते में, या तो कपड़े शर्ट चेंज करता हूँ या फिर अभी टाइम ज़्यादा हो गया, सो के एक और वीडियो बनाऊँगा। होप यू लाइक, यू गाइस आर लाइकिंग द, होप यू गाइस आर लाइकिंग द कंसिस्टेंसी, मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, कोशिश तो कर रहे हैं, वैसे अल्लाह का हुक्म हुआ है एकदम से, बड़ी प्रोडक्टिविटी आ रही है, कूट कूट के आ रही है भाई, कूट कूट के बना वीडियो में वीडियो भाई, एक और वीडियो बना, कौन वीडियो बना। गोल असल मेरे साल का, इस साल का मेरा गोल है
टू मेक 100+ वीडियोस। मैं वीडियोस काफी 2 सालों से बना रहा हूँ, लेकिन मैं कभी भी ना अपने आप को प्रॉपर चांस नहीं दिया यूट्यूब वगैरह पे, एंड दिस इज माई चांस। सर ये बातें मैं भी आप कर क्यों रहा हूँ, फिर कभी करते हैं, मिलते हैं बाल धो के।